देखिए मैं आज आपको एक बिल्कुल ख़ास रेसिपी दे रही हूँ। सर्दी के मौसम में आजकल बारिश हर जगह हो रही है, बच्चे बूढ़े सबको सर्दी जुकाम, बदन हाथ में दर्द, फीवर सा लगता, बुखार। तो इसमें ये घर में काढ़ा या इसकी बना के दीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है। इससे फ़ौरन दो बार पी लेंगे अच्छे हो जाएंगे, और ऐसे अच्छे में भी पीना चाहिए इंशाल्लाह। ये एक इतना पानी लिया, पौन गिलास डाल दूंगी। तीन तीन लौंग दिया है, इतना दालचीनी का टुकड़ा और इतना अदरक का टुकड़ा है। इसमें हम दो बार के लिए बना लूंगी, एक बार अभी एक बार मतलब सुबह पी लें, एक बार शाम पी लें। उसको अच्छी तरह से इसमें कूट लूँगी इससे के ज़रिए से, जैसे कि अमलदस्ता जो होता है मसालों सालों का होगा मिर्च उठता तो वो तीता हो जाएगा। इससे अच्छी तरह अच्छे तरह से कूटा गया, अब इसको मैं पानी में डाल के अच्छे से बॉयल कर दूँगी। ये देखिए इसको सब पानी में डाल के खूब अच्छे से पका लूँगी। ये पौन गिलास पानी हाफ गिलास हो जाएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा चीनी या गुड़ डाल दीजिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ डालूँगी। तो इसको अच्छी तरह से खूब पकाऊँगी, इतना पकाऊँगी इसका कलर चेंज हो जाए। कितना अच्छे इसका कलर आया। अब इसको मैं छान दूंगी। अगर आपके पास अदरक नहीं है तो वो सौंठ है तो थोड़ा सा सौंठ डाल दीजिए। देखिए कितना अच्छे इसका कलर आया। अब ये दो बार करके पीना है, तो इसको हाफ कर दूंगी, हाफ अभी हाफ सुबह में। अब इसमें थोड़ा सा देखिए इतना सा शहद डाल दूंगी। अगर आप इसको मेडिसिन के शक्ल में बना के रखना चाहती हैं, जैसे सफ़र में हैं कहीं जा रहे हैं तो वो मेडिसिन की शक्ल में आप कहेंगी तो मैं वैसा भी आपको बना के रेसिपी दे दूंगी। ये बहुत फ़ायदेमंद है ये बना के को, देखिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप बना के आजमाएं एक बार दें इस मौसम में, बहुत ही शानदार है।